हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने पलवल सलागढ़ स्थित अम्बरगढ़ भवन में समाज सुधार संस्था द्वारा आयोजित गरीब कन्याओं के विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जनता से खूब लोक लुभावने वायदे किए गए। उन्होंने कहा कि इनेलो सरकार बनने के बाद गरीब कन्याओं की शादी पर 5 लाख रुपये का कन्यादान के रूप में दिया जाएगा और महंगी बिजली से गरीबों को राहत देने का काम इनेलो सरकार करेगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, नेताओं ने लोक लुभावने वायदे भी जनता से करने शुरू कर दिए हैं। ताज़ा उदाहरण पलवल का है, जहां सल्लागढ़ स्थित अम्बरगढ़ भवन में समाज सुधार संस्था द्वारा 18 जोड़ों के विवाह का आयोजित कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें अभय सिंह चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अभय सिंह चौटाला ने नव विवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके जीवन में खुशहाली आए और यह लोग समाज हित में कार्य करें। चौटाला ने कहा कि कम खर्चे में शादी करना समाज के लिए एक उदाहरण है। युवाओं को बिना दहेज के शादी करनी चाहिए, तभी दहेज प्रथा अंकुश लगेगा। लोगों को भी इस तरह के कार्यक्रमों में प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनेलो सरकार बनने पर गरीब कन्या की शादी पर 5 लाख रुपये कन्यादान के रूप में देने का काम करेंगे और महंगी बिजली से गरीबों को राहत देने का काम भी इनेलो सरकार किया करेगी। चौटाला ने समाज सुधार संस्था को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। कहा कि यह पैसा आपको ADC ऑफिस द्वारा जल्द ही मुहैया करा दिया जाएगा, जिसे आप समाज सुधार के खर्चों पर कार्यों पर खर्च कर सकते हैं। मैं आपको आने वाले समय में सिखाता हूँ, इसके लिए 11 लाख रुपए मजबूत करके गया था, दे करके गया था। वो 11 लाख रुपए आपका ADC के ऑफिस में आ चुका है। मैं यहाँ के प्रशासन से बात करूँगा, जो पैसा आपके लिए सैंक्शन हुआ था जल्द आपकी सभा को मिले और उस पैसे का सदुपयोग हो, आपके बैठने की एक अच्छी सुविधा हो, उसके लिए उस पैसे को जल्द से जल्द खर्च करके इसको बनवाने का काम करें। अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो मैं आपकी सभा के अध्यक्ष से उपाध्यक्ष से दोनों से कहूँगा कि आप मेरे से मिले, ताकि जो कोई छोटी मोटी कमी और उसमें रह जाएगी उसको पूरा करने के लिए भी हम आपकी मदद करेंगे। आपको पैसा दे करके आप इस चीज़ को दूर करवाएंगे।